Assalamualaikum friends, welcome to back another video. This is Malik Amjad, आप देख रहे हैं Technical Bhai YouTube channel. तो guys, finally आज की वीडियो में हम comparison करेंगे Infinix Zero X Pro versus Tecno Cayman 18 Premier का. No doubt, इन दोनों स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन बहुत ज्यादा सॉलिड है, लेकिन किसी एक मोबाइल फोन का इंतखाब करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो चुका है कि कौन सा बेस्ट है. तो आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल के साथ कंपेरिजन करेंगे इन दोनों स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन का और जानेंगे कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है. लेकिन गाइज, Infinix Zero X Pro पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका है और स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो 50,000 है, लेकिन Tecno Cayman 18 Premier अभी तक पाकिस्तान में लॉन्च नहीं हुआ. ये स्मार्टफोन अक्टूबर के लास्ट वीक में या दिसंबर के फर्स्ट वीक में पाकिस्तान में लॉन्च होने वाला है. सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इन दोनों स्मार्टफोन का कंपैरिजन बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग होने वाला है. मेक श्योर कि आपने इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कर लेना है. लेकिन गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन पे क्लिक कर ले, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए मैं जैसे वीडियो अपलोड करता हूं. तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं. तो फ्रेंड्स, कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे इन दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले साइज से. इन दोनों स्मार्टफोन का डिस्प्ले साइज 6.67 इंचेस है, साथ आपको 1080 का रेजोल्यूशन प्लस फुल एचडी दी गई. अगर बात करें इन दोनों स्मार्टफोन के रिफ्रेश रेट की, इन दोनों स्मार्टफोन में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया. और साथ ही बात कर लेते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के पैनल की. इन दोनों स्मार्टफोन में आपको सुपर एमोलेड का पैनल दिया गया. दोनों स्मार्टफोन का डिस्प्ले फ्लैट है. अगर बात करें दोनों स्मार्टफोन की स्क्रीन प्रोटेक्शन की, इन दोनों स्मार्टफोन की जो स्क्रीन प्रोटेक्शन है वो नेल है, यानी कि इन दोनों स्मार्टफोन में आपको किसी किस्म स्क्रीन प्रोटेक्शन नहीं देगी. डिस्प्ले वाइज इन दोनों स्मार्टफोन का कंपैरिजन देखा जाए तो किसी किस्म की कोई कमी पेशी नहीं है. दोनों का डिस्प्ले बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग है, सॉलिड है और इक्वल है. अब बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन के रैम एंड वेरिएंट्स की. सबसे पहले बात करेंगे Infinix Zero X Pro की. Infinix Zero X Pro जो है वो 8GB रैम और 128GB रोम के साथ पाकिस्तान में अवेलेबल है. अगर बात करें Tecno Cayman 18 Premier की, यह स्मार्टफोन 8GB रैम और 256GB रोम के साथ लॉन्च होगा. रैम एंड वेरिएंट्स कंपैरिजन में Tecno Cayman 18 Premier बाजी ले गया है. अब बात करेंगे इन दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस की. सबसे पहले बात करेंगे Infinix Zero X Pro की. Infinix Zero X Pro में आपको MediaTek Helio G95 की चिपसेट दी गई. और साथ ही बात कर लेते हैं Tecno Cayman 18 Premier की. इस स्मार्टफोन में आपको MediaTek Helio G96 की चिपसेट दी गई है और परफॉर्मेंस वाइज Tecno Cayman 18 Premier भी बाजी ले गया है. अगर बात करें इन दोनों स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप की, सबसे पहले बात करेंगे Infinix Zero X Pro के मेन कैमरा की. इसका मेन कैमरा 108 MP का है और साथ आपको 60x का जूम भी दिया गया. अगर बात करें सेकेंडरी कैमरा की, वो 8 MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा और स्मार्टफोन का थर्ड कैमरा 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा है. साथ आपको एलईडी फ्लैश भी दी गई और मेन कैमरे से आप 4K तक की वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं. और साथ ही बात कर लेते हैं Tecno Cayman 18 Premier के मेन कैमरा की, वो 64 MP का है. अगर बात करें सेकेंडरी कैमरा की, वो 8 MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा और स्मार्टफोन के साथ आपको 5x का ऑप्टिकल जूम दिया गया है. और अगर बात करें स्मार्टफोन के थर्ड कैमरा की, वो 12 MP का गेमिंग कैमरा है. अगर बात करें स्मार्टफोन के कैमरा परफॉर्मेंस की, तो गेमिंग कैमरास की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग होती है. गेमिंग कैमरा से आप अच्छी क्वालिटीज की फोटोज और वीडियोस कैप्चर कर सकते हैं, नो डाउट. तो गाइस, इन दोनों स्मार्टफोन के मेन कैमरास का कंपैरिजन देखा जाए तो Infinix Zero X Pro यहां पर बाजी ले गया है. अब बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरा की. बात करेंगे Infinix Zero X Pro की. इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले में मिडल में 5 होल कैमरा दिया गया है जो कि 16 MP का, और इस सेल्फी कैमरा से आप 1080 की वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं. साथ ही बात कर लेते हैं Tecno Cayman 18 Premier के फ्रंट कैमरा की. इस स्मार्टफोन के मिडल में 5 होल कैमरा दिया गया है जो कि 32 MP का है, और इस स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरे से भी आप 1080 की वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं. लेकिन अगर फ्रंट कैमरा वाइज कंपेरिजन को देखा जाए तो Tecno Cayman 18 Premier यहाँ पर बाजी ले गया. तो गाइस, लास्ट पर बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन की बैटरी की. तो Infinix Zero X Pro में 4500 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, साथ आपको 40W का फास्ट चार्जर दिया गया है. और इस फास्ट चार्जर से 45 मिनट्स के अंदर ये मोबाइल फोन मुकम्मल चार्ज होगा. और साथ ही बात कर लेते हैं Tecno Cayman 18 Premier की. इस स्मार्टफोन में आपको जो बैटरी देखने को मिलेगी वो 4750 mAh की है, और साथ आपको 33W का फास्ट चार्जर दिया गया. और इस फास्ट चार्जर से आप स्मार्टफोन को 30 मिनट्स के अंदर 64% तक चार्ज कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, इन दोनों स्मार्टफोन का कंपैरिजन मुकम्मल हो चुका है. अब बात कर लेते हैं इस कंपैरिजन के रिजल्ट की. ओवरऑल अगर बात की जाए कंपैरिजन की, तो तमाम तर स्पेसिफिकेशन दोनों स्मार्टफोन की बहुत ज्यादा सॉलिड थी. अगर आप इन दोनों स्मार्टफोन को इक्वल समझ लें
तो ये कहना गलत नहीं होगा। लेकिन कुछ स्पेसिफिकेशन टेक्नो कैमन की बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है, तो इस लिहाज से ओवरऑल जो रिजल्ट है वो टेक्नो कैमन 18 प्रीमियर जो है वो विन कर चुका है। स्पेसिफिकेशन वाइज टेक्नो कैमन 18 प्रीमियर मोस्ट पावरफुल है देन इन्फिनिक्स जीरो एक्स प्रो के। सो गाइस आपने कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना है कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी और आपका फेवरेट मोबाइल फोन इन दोनों में से कौन सा है, आपने कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना है। सो गाइस आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी मजीद वीडियोस को वॉच करने के लिए अपने भाई के चैनल टेक्निकल बेस्ट को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई वीडियो के अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए मैं जैसे वीडियो अपलोड करता हूं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोर नेम मोबाइल फोन के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।